हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने करीब 200 ग्राम आलू लिए हैं जिन्हें छील लिया है और दो शिमला मिर्ची ली हैं। और आलू और मिर्ची की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। इसे बनाने के लिए हमने अन्य जो सामग्री ली है वो इस प्रकार से है। दो हरी मिर्च जिनको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक कटोरी दही काम में लेंगे। दही से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया काम में लेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 10 से 12 कलियां लहसुन की जिन्हें ग्राइंड कर लिया है। और अदरक का पेस्ट इसके साथ ही है। और इसमें मेथी, राई और जीरा काम में लेंगे तड़के के मिले। और इसे बनाने के लिए हम तेल की जगह आज घी का उपयोग करेंगे। घी के उपयोग से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक गिलास पानी काम में लेंगे। तो चलिए हम इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्ची को कट कर लेते हैं। इसके बीजों को निकाल करके मोटे पीसेज में इसको काट लेंगे। ये देखिए शिमला मिर्च को भी मोटे पीसेज में कट कर लिया है और आलू को भी कट कर लिया है। इन दोनों की सब्जी बहुत ही पसंद करेंगे। ये देखिए गैस ऑन कर दिया, पैन रख दिया। इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए घी गर्म हो गया। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही इसमें शिमला मिर्च और आलू डाल देंगे। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से ये सब्जी कड़ी पत्ते की खुशबू वाली बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर के हमारी तैयार होने वाली है। और गैस का फ्लेम बहुत ही लो रखते हुए इनको 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक बाउल में दही डाल लेंगे। दही में हम हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक इनको डाल लेंगे और दही के साथ मिक्स करके 3-4 मिनट तक के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए दही से ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। साथ में तेल की बजाय यदि आप घी का प्रयोग करते हैं तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आलू और शिमला मिर्ची की देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया इनको और अब इनको रख देंगे। ये देखिए आलू और शिमला मिर्च हो चुके हैं। अब इनको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से फ्राई करके यदि आप ये आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए गैस ऑन कर दिया फिर से और इसमें जो बचा हुआ घी है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब इसमें राई, मेथी और जीरा डाल देंगे। इनको चटकने देंगे। मेथी को काला नहीं होने देना है। ये देखिए जीरा चटकने लगा है। इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट। गैस का फ्लेम लो रखते हुए इनको पकाएंगे। नहीं तो दे जाएंगे 3-4 मिनट तक। इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। देखिए प्याज ब्राउन होने लगे हैं। अब इसमें जो हमने जो मसाला दही में मिक्स कर रखा है वो डाल देंगे। और इस मसाले को डालते ही इसे बराबर चलाते रहना, नहीं तो दही फट जाएगा। इस विधि से सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। आप अपने किचन में इस सब्जी को आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबूदार ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है। अब इसमें हमने जो आलू डाल देंगे। इस विधि से आलू शिमला मिर्च की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप इसे आप आसानी से बना सकते हैं। घी के साथ में खास करके सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस सब्जी को आप चाहें तो सूखा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको रसेदार सब्जी बनाना चाहती हूँ इसलिए इसमें पानी डालेंगे। और पानी डाल करके इसको बंद करके रख देंगे। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं और इसे ढक करके रख देंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू सब्जी में से आ रही है। और ये सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये आराम से पक चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डाल करके इसको 1-2 मिनट के लिए वापस बंद कर देंगे, जिससे इसके धनिया की खुशबू इसके अंदर ही आ जाए। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने की बहुत ही आसान विधि है। आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।